गाइस वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या हैं, वो किस एनर्जी में है, तो ओवरऑल एनर्जी हम उनकी देखेंगे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो आपको पॉजिटिव रहना है। एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए जी अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है। ओके चलिए सेंटर कार्ड मैं लूँगी जिसमें होगी आपकी एनर्जी। मैं आपको बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी आपको जिससे कि, ठीक है। और बाकी होगी आपके पार्टनर की एनर्जी एंड उसके बाद में जो भी मुझे आपके लिए मैसेजेस मिलते जाएंगे वो मैं आपको देती जाऊँगी, ठीक है। चलिए जी अब शुरू कर लेते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। चलिए पॉजिटिव रहना है और जितनी पॉजिटिविटी यहाँ से ले जा सकते हो उतनी पॉजिटिविटी आपको यहाँ से लेकर के जानी है। ओके सो पॉजिटिव रहना है गाइस, आपको बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव रहना, बहुत ज़्यादा। ऑलराइट चलिए देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, सेंट्रल एनर्जी दीजिए हमारे व्यूवर्स की और हमें बताइए कि उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या चल रही है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, सेंट्रल एनर्जी होगी आपकी टेन ऑफ वांड्स। ऑलराइट चलिए अब आपके पार्टनर की देखते हैं। द सन है, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्स, वी हैव द फाइव ऑफ वॉन्स, बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ पेंटिकल्स। साइन बताती हूँ मैं आपको, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, ये साइन यहाँ पर स्ट्रांगली है। मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और अगर मैं यहाँ पर डेट की बात करूँ, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 19 एंड नंबर 1 है, और एंजल नंबर 10 बहुत स्ट्रांग है भाई आज की इस रीडिंग में, और जिनको दिख रहा है उनके लिए रीडिंग है। मंथ की बात करूँ तो मई, अगस्त, अक्टूबर एंड जनवरी, ओके ये मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आते हैं। मैंने बात की थी कि सेंट्रल एनर्जी आपकी होगी जो कि टेन ऑफ वॉन्स की एनर्जी आई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है गाइस, लाइक यू नो टेन ऑफ वॉन्स की एनर्जी है कि आप बहुत कुछ सीख चुके हो। ये कंप्लीशन का कार्ड है एक्चुअली, जो वॉन्स की एक जर्नी थी उसका कंप्लीशन है ये टेन ऑफ वॉन्स। सो आप बहुत कुछ सीख चुके हो, आप बहुत कुछ जितना आपको सीखना था आप उतना सीख चुके हो, और अब ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी आ गई, अब आपको समझ में आ गया है कि आपको किधर जाना है, ठीक है। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं भी समझ आया हो। कुछ लोग मुझे ऐसे दिखते हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत भटके हुए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएँ, किधर जाएँ, क्या करें क्या ना करें, लेकिन उनको एक अब पाथ मिल गया है कि उनको किधर जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, वो चल दिए हैं। और कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको डायरेक्शन नहीं मिली कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, लेकिन फिर भी वो भी चल दिए हैं इस खोज में कि कहीं तो पहुँचेंगे। और कुछ लोग ऐसे जो कि घर 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 वापसी, मतलब घर जाना, सामान वामान पैक करके, यानी कि घर जाना, कहीं भटक गए थे वहाँ से लौट करके आ रहे, एक लंबा सफ़र तय करके हम कहीं से आ रहे हैं। यू नो ये यहाँ पर ये बताता है कि
आप कहीं ना कहीं अब अटके नहीं हो, मूवमेंट इस कार्ड में है। अगर आप देखो तो मूवमेंट है, मतलब मूवमेंट यहाँ पर ये बताती है कि आप बेशक चलो पूरी तरीके से आप मूव नहीं हो पाए हो, पूरी तरीके से आप नहीं एक फैसले पर पहुंच पाए हो, लेकिन फिर भी एक मूवमेंट है। वो खड़े खड़े एक बीच रास्ते में खड़े खड़े पीछे मुड़ करके किसी की राह तकना, किसी का इंतज़ार करना, अब आप उस एनर्जी में नहीं हो। अब आपने वो खड़े रहने को जो है ना बोल दिया है, अब आपने वो खड़े रह करके किसी की इंतज़ार करने को ना बोल दिया है, आपने बोल दिया कि अब मुझे नहीं देखना पीछे मुड़ के, मैं थक गई हूँ, कितना देखूँ। और अब आप जैसे कि आगे चल रहे हो कि मैं चल रही हूँ आगे, जिसको मेरे साथ आना होगा आ जाएगा, जिसको मेरे साथ नहीं आना होगा नहीं आएगा। अब आप चल दिए हो, ये मुझे दिख रहा है कि अब आप मूव हो रहे हो कहीं ना कहीं। बेशक अभी आपने कोई फाइनल डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं लिया, बेशक अभी आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मूवमेंट तो है। यही बहुत ज़रूरी है, हम स्टक नहीं रहना बस ज़िंदगी में, चाहे हम दो ही कदम क्यों ना चले बट स्टक नहीं रहना, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपने उसमें चेंजेस लेकर के आए हो कि आप मूव हुए हो, आप स्टक नहीं हो, आप मूव हो रहे हो, एंड इट्स ब्यूटीफुल, ठीक है। यही एनर्जी चाहिए मुझे, ठीक है। लाइफ में बर्डन भाई किसके नहीं होती, लेकिन आप हार नहीं मान रहे हो, आप थके नहीं हो, आप मूव हो रहे हो, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि हाँ अब जो भी है, मेरे साथ किसी को चलना है तो चलेगा, नहीं चलना है तो भी कोई बात नहीं है। तो ये एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज का जिक्र कर लेते हैं। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर उनका क्या चल रहा है। सो यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और यहाँ पर द सन की एनर्जी है। हाँ जी, सबसे पहले इसको तो मैं क्लियर करूँगी, बट मैं पहले इस एनर्जी पर फोकस करूँगी, एस ऑफ वन एंड फाइव ऑफ वन की एनर्जी पर। तो इनकी एनर्जी देखिए, यहाँ पर इनकी एनर्जी देखो, यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल, ये मैं आपको पहले क्लियर करूँगी एस ऑफ वन एंड फाइव ऑफ वन की एनर्जी को। यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि इंसान का एक फेस है और उसकी आँखें बंद है और उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, यहाँ पर फायर एनर्जी है, मतलब दिमाग में कुछ तो चल रहा है उसके, वो कुछ तो सोच रहा है, कुछ तो कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में है। अब वहीं अगर इसके कॉम्बो के कार्ड को उठा के देखें तो यहाँ पर निकल के आता है फाइव ऑफ वन की एनर्जी, जो कि बताता है कि इनके दिमाग में बहुत कुछ खिचड़ी पकी हुई है। जिस इंसान का अपने आप से झगड़ा नहीं होता, खुद से खुद का, ये वो वाला झगड़ा मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि इनका खुद से खुद का झगड़ा है, इनके मन में, इनके दिमाग में ये खुद से ही फाइट कर रहे हैं। इनका दिल कुछ और कह रहा है, इनका दिमाग कुछ और कह रहा है, ये चाहते कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। इस वजह से इतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स इनके अंदर ही हो रहे हैं, ये सारे ये कन्फ्यूज़न, ये गलत गलत डिसीजंस क्यों हो रहे हैं, ये इसीलिए हो रहे हैं। ऑलराइट, तो यही रीज़न है ये गलत डिसीजंस होने के। जस्ट अ मिनट, हाँ कैमरे को फोकस करती हूँ एक बारी। ओके, तो गलत गलत जो डिसीजंस हैं इसी वजह से आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इनके मन में, दिमाग में शांति नहीं है अभी, ठीक है। ये काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे हैं, मे बी इनके कुछ पास्ट के डिसीजंस जो कि इनके बहुत बेकार गए हैं, ठीक है। इन्होंने पास्ट का जो भी किया वो बहुत बेकार गया। हो सकता है आप दोनों के बीच में इस तरीके की फ़ाइट हुई हो, आर्ग्यूमेंट हुए हो, वो इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा अभी चल रहे हैं। वो फाइट, वो लास्ट जो आपकी बात हुई थी इनसे, वो अभी इनके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टक हो गई है, वो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रही हैं, उसी तरीके के थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं आपको लेकर के। तो वो यहाँ पर नज़र आता है। आपके पार्टनर ना थोड़ा सा देखो, अगर मैं फाइव ऑफ वन के साथ स्ट्रेंथ का कार्ड देखूँ तो यहाँ पर क्लियर नज़र आता है, ऐसी एनर्जी में तो इंसान, ये स्ट्रेंथ का कार्ड तो बेशक है, लेकिन इस एनर्जी में इंसान अपनी कमज़ोरी, मतलब अपनी स्ट्रेंथ को ही खोता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, अगर आप इन दोनों कार्डों को देखोगे तो मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि जैसे कि आपके पार्टनर जो है अपनी किस्मत को बहुत ज़्यादा कोसते हैं, और दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये मुझे ट्रैवल के बारे में भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है। ऐसा नज़र आता है जैसे कि वो आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, या आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं, या
जैसे नहीं होता कि चलो कॉफ़ी पे मिलते हैं, डिनर के लिए मिलते हैं, या चलो कहीं घूमने चलते हैं साथ में, तो वैसा मुझे कुछ दिख रहा है कि इनका मन है ऐसा, लेकिन ये सोच रहे हैं कि मैं उसको कैसे बोलूँ जाकर के, अभी हमारा उससे अभी मेरा उससे झगड़ा हुआ है, हम दोनों का झगड़ा हुआ है, कैसे बोलूँ उससे जाकर के। तो वो हिम्मत नहीं हो रही है आगे से आके बोलने की। आधा फेस तो गर्ल है, आधा फेस शेर है। शेर भाई ईगो भी है कहीं ना कहीं, ठीक है, ईगो भी है। ईगो क्या कहती है कि मैं क्यों आगे से जाके झुकूं, मैं ही क्यों झुकूं, और जबकि होता होगा कि आप हमेशा झुकते होंगे, वो इतना नहीं झुकते होंगे रिलेशनशिप में, लेकिन इनका क्या है कि मैं ही क्यों झुकूं, इनको क्या लग रहा है कि मैं हमेशा झुकता हूँ। तो वही होता है, जब तक इंसान को एहसास ना करवाओ कि देखो बार बार जो है मैं ही झुक रही हूँ, तब तक उसको ये लगता है कि मैं ही झुक रहा हूँ। सो यहाँ पर वही एनर्जी है कि कुछ कहना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन यहाँ पर उनका ईगो अड़ा हुआ है, उनकी नाक अड़ी हुई है कि कैसे कहूँ मैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नाक का सवाल बना रखा है उन्होंने। और क्या पता यही एनर्जी है आपके कनेक्शन की, कि अगर आप परेशान होकर के ये मूव हुए हो, इसीलिए हुए हो क्योंकि हमेशा आप ही झुकते हो, हमेशा आप ही जाते हो, आप ही एफर्ट डालते हो, आप ही करते हो, और अब आप थक गए हो कि यार मैं कितना करूँ, सामने वाला भी तो कुछ करे, लेकिन सामने वाला ये सोच के बैठा है कि मैंने कर दिया सब कुछ। तो वो एनर्जी है यहाँ पर। देखो एक तो मैं यहाँ पर क्लियर देख रही हूँ कि हाँ थोड़ा ईगो क्लैशेस हैं, थोड़ा सा प्यार आप दोनों में ही है, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन एक दूसरे के बीच में कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखो टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है या द सन का कार्ड है, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके साथ ही रहना चाहती हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, यहाँ तक कि ये आपको अपना लाइफ पार्टनर भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपसे बेहतरीन लाइफ पार्टनर इनको कोई मिलेगा नहीं। ये आपको यूनिवर्स से मांगते भी हैं, ईश्वर से आपको मांगते भी हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ईगो की प्रॉब्लम हो रखी है। अभी क्या हो रहा है, ईगो अड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, ईगो जो है वो कुछ करने नहीं दे रहा है, ईगो जो है स्टेप नहीं लेने दे रहा है। तो ईगो की मेन दिक्कत है यहाँ पर, बाकी कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ ईगो। अदरवाइज इनका बहुत मन करता है आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि ईगो की इनको प्रॉब्लम है इस वजह से। ऑलराइट, तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे इनकी क्लियरली नज़र आ रही है। कुछ और एनर्जीज देखेंगे हम इनकी। वेट, हाँ स्टैक का इस्तेमाल करूँगी मैं, यहाँ से हमें कुछ और भी पता चलेगा। स्ट्रेस, यस स्ट्रेस में है आपके पार्टनर, नो डाउट, क्योंकि ये स्ट्रेस ही है अगर देखा जाए तो। ये क्या है, स्ट्रेस ही है। ओवरथिंकिंग क्या है, स्ट्रेस है। ज़्यादा सोचना क्या है, स्ट्रेस है। आपके पार्टनर एक स्ट्रेस में है, उनका स्ट्रेस कुछ इस तरीके का है कि लाइक उनको डर लग रहा है, पता है अभी ये स्ट्रेस कुछ इस तरीके का है, क्योंकि ये नहीं समझ में आ रहा कि जो मैं ये कर रहा हूँ क्या ये सही है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं अपने आप को ही तो नुकसान नहीं पहुँचा लूँगा ये सब करके, ये ईगो दिखा करके। मुझे झुक जाना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए, या ऐसे ही जैसे चल रहा हूँ वैसे ही चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मेरे इस वजह इस बर्ताव से इस बिहेवियर से कहीं रिश्ता ख़राब तो नहीं हो जाएगा। अभी ऐसे थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे थॉट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ से इनको कोई एक्शन नहीं दिख रहा। इनको ना पहले क्या होता था कि आप एक्शन ले लेते थे, बहुत जल्दी ले लेते थे, तो इनको ये डर था ही नहीं कभी, लेकिन अभी ये देख रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई ज़्यादा एक्शन नहीं आ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। इनको लग रहा है कि यहाँ तो भाई इस बारी तो दाल नहीं गलने वाली है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये इस स्ट्रेस वाली एनर्जी में है। इंटेंसिटी, निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं ये भी, लेकिन स्लो है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हाँ चाहते तो हैं लेकिन फिर भी सोच में डूबे हुए हैं, अभी एक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो मतलब लेंगे ज़रूर ये एक्शन। इस नेगेटिविटी से इस पॉजिटिविटी की तरफ ये ऑफकोर्स आएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे, और ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे भी। अभी क्या नेगेटिविटी क्या है, इनका ईगो,
क्योंकि देखो जहाँ रिश्ता होता है ना वहाँ ईगो नहीं होना चाहिए, अगर ईगो है तो वो भी एक नेगेटिविटी है, तो इनका जो ईगो है वही नेगेटिविटी है, लेकिन ये उससे मूव करेंगे पॉजिटिविटी की तरफ भी। ऑलराइट, तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ और कुछ और एनर्जीज देखूँगी मैं यहाँ से। सेवन ऑफ कॉइन्स, यानी कि सेवन ऑफ कॉइन्स मतलब कि सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगर इस कार्ड को अगर ध्यान से देखें ना तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे कि दो तरीके के थॉट, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लैकिश एनर्जी है, यहाँ पर एक वाइटिश एनर्जी है। यू नो जैसे कि कॉइन्स ना इम्पॉर्टेंट है भाई, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि रिश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि अभी ये किस तरीके से डील करें, किस तरीके की सोच के साथ ये इस रिश्ते में वर्क करें। इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि इनको झुक जाना चाहिए कि नहीं झुकना चाहिए। अगेन ये वही एनर्जी है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि जैसे कि हमारे दिमाग में ना दो होते हैं, दिमाग हमारे दो होते हैं, एक होता है एंजल और एक होता है डेविल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल और डेविल के बीच में झगड़ा है कि क्या करना चाहिए। राइट, सो यहाँ पर वही मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं एंजल और डेविल वाले जो थॉट्स है ना उसमें अटके हुए हैं। द फूल, न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर सोच रहे कि इस न्यू बिगनिंग से कोई फ़ायदा होगा क्या, इस न्यू बिगनिंग से अच्छा हो पाएंगी चीज़ें, या फिर मुझे एम्बेरस फील करना पड़ेगा या मेरा पोपट बन जाएगा। तो न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं, झुकना भी चाहते हैं, लेकिन इनका ये है कि क्या इसके ये जो झुकना है, इस झुकने की वजह से कुछ फ़ायदा होगा मुझे या नहीं, क्योंकि इंसान फ़ायदे नुकसान के बारे में बहुत सोचता है भाई। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, यू नो ये अपनी नाव ना बिल्कुल ऐसे ही अपने आप को पता है कैसा फील कर रहे, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा फील कर रहे हैं ये जैसे कि बीच समुद्र में कोई इंसान फंस गया हो। तो वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये भी एक समुद्र में ही फंस गया है जहाँ इनको कोई किनारा नहीं मिल रहा कि आखिर मैं किस और बढ़ूँ, किस तरफ जाऊँ, ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही। क्योंकि इस तरीके के जब थॉट्स रहेंगे, जब हमारे दिमाग के ही दो हिस्से एक डेविल और एक एंजल जब दोनों बात करेंगे तो समझ में कैसे आएगा, किनारा कैसे मिलेगा इंसान को, तो वही किनारा नहीं मिल पा रहा है इनको बस। द लवर्स इज ब्यूटिफुल, बट मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि ये मूव तो करेंगे, ये जो मूवमेंट होगी ना इनकी, ये जो किनारा होगा ये भाई इस रिलेशनशिप तक ही आएगा। मतलब कि ये चाहे देर आज नहीं तो कल देर सवेर जो भी एक्शन लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आ चुका है। ठीक है, इनका एक्शन इसी चीज़ के लिए होगा। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर मुझे ये नज़र ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हो सकता है कि ये तो आपकी तरफ मूव करेंगे लेकिन शायद आप थोड़ा सा ऐसे एनर्जी में रहो कि आप बेशक आपको खुशी होगी कि इंसान आया और आप इनसे प्यार भी बहुत करते हो, बट शायद कुछ ऐसा होगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि मैं क्या करूँ, मतलब मैं इस इंसान को एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ। आप बेशक इनके लिए इमोशनल हो, आप प्यार करते हो, बट आई फील कि मूव तो करेंगे आपकी तरफ, आएंगे तो सही, लेकिन ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ये एनर्जी आपके पार्टनर की नहीं होगी, ये आपकी एनर्जी होगी कि आप नहीं समझ पाओगे कि अब मैं कैसा रिएक्ट करूँ या कैसा रिएक्शन दूँ, क्या ये इंसान सच में, मतलब आप इसमें रह जाओगे कि क्या सच में इंसान सही के लिए आया है या फिर से वैसा ही करेगा जैसे इसने पहले किया है। तो मन में डर आपके जो है आपको वो डिसीज़न नहीं लेने देगा, इस टाइम पर वही करना जो आपका दिल कहे, अपने इंट्यूशन को सुनना गाइस। इस टाइम पर आपको जाकर के कहीं किसी की नहीं सुननी है, सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुननी है, सिर्फ अपने दिल की सुननी है, क्योंकि आपका दिल ही आपको सबसे अच्छा जवाब देगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपके लिए थ्री कार्ड्स रखूँगी, आपने अपने लिए कोई एक कार्ड चूज़ करना है, यहाँ से मैं लूँगी आपके लिए गाइडेंस। ऑलराइट, तो आपने कोई एक कार्ड अपने लिए चूज़ करना है। तो थ्री कार्ड्स मैं आपके लिए रखूँगी, आपने चूज़ करना है अपने लिए एक कार्ड। ठीक है, कार्ड नंबर वन, कार्ड नंबर टू,
एंड कार्ड नंबर थ्री, चूज वन कार्ड गाइस। सो कार्ड नंबर वन आपका देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंडशिप, सपोर्ट, फन, यूनिटी एंड प्ले। ओके, सो कार्ड नंबर वन, अभी आपको क्या करना है, अभी ना आपके लिए सिर्फ एक ही यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर कि आपको जो है सबसे पहले अगर आप बहुत अकेला फील कर रहे हो अपनी लाइफ में तो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। अपने फ्रेंड्स के साथ आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि आप अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा वो कर सको। एक डिप्रेसिव और एक अकेलेपन वाली एनर्जी में जाने से अच्छा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, वहाँ से आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, चाहे फिर वो इमोशनल ही क्यों ना मिले। एंड थोड़ा फन वाली, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं तो ऑफकोर्स हमें खुशी का माहौल मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। यूनिटी एंड प्ले, यू नो आप अगर डिप्रेसिव फील कर रहे हो, अकेलापन फील कर रहे हो, आपको अपने फ्रेंड्स की तरफ जाना चाहिए, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। देखिए कि ऐसा कौन से दोस्त है जिन जो कि आपके बहुत अच्छे थे लेकिन आपकी काफ़ी टाइम से उनसे बात नहीं हो रही, तो कीजिए उनसे बात, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं आपको ऐसे अकेले में नहीं बैठना है, आपको ऐसे सब कुछ बंद करके नहीं बैठना है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। तो अपनी अच्छी जो दोस्ती है उसको थोड़ा सा ठीक करो, ठीक है, उस दोस्तों के साथ थोड़ा सा बैठो। और रिलेशनशिप के लिए भी यहाँ पर यही है कि रिलेशनशिप में ना अभी दोस्ती की बहुत ज़रूरत है भाई। अगर दोस्त के नज़रिए से सोचोगे तो रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेगा, तो दोस्त के नज़रिए से सोचने की ज़रूरत है आपको इस कनेक्शन में, ठीक है। कार्ड नंबर टू आपके लिए है एडजस्टमेंट, लुकिंग बैक मूविंग फॉरवर्ड। ओके, सो यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कार्ड नंबर टू कि आपको एडजस्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में। यू नो जो भी चल रहा है ठीक है, देख लिया पीछे, भी आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर यू नो यही है कि इस कार्ड से मैं एक ही चीज़ समझती हूँ हमेशा, और मुझे एक ही मैसेज मिलता है कि पास्ट से एक्सपीरियंस लेकर के आगे बढ़ो। और यहाँ पर यही मैं कहूँगी आपसे कि आपको अभी एडजस्ट करना है भाई, अपने पास और अपने प्रेजेंट में एडजस्ट करना है आपने, और आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो वो आपने देखना है, लेकिन अटकना नहीं है। यहाँ भी आपके लिए मूवी आया था सबसे पहले, तो बस अटकना नहीं, अगर आप अटक रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो, ठीक है, क्योंकि आपको लाइफ में जो है लाइफ में कभी कभी हमें एडजस्ट करना पड़ता है, कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती है, हमारे तरीके से नहीं होती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं है, आज ऐसा है कल ज़रूर सुधरेगा, लेकिन रुकना नहीं है, रुकने से क्या होगा, आप बहुत पीछे हो जाओगे। ऑलराइट, कार्ड नंबर थ्री आपके लिए यहाँ पर मैसेज है क्लेमिंग द वाटर्स, पीसफुल सेल्फ रेजुलेशन। ओके, सो यहाँ पर ना सबसे पहली चीज़ तो अगर कुछ ऐसा है पानी से रिलेटेड कुछ चीज़ है, लाइक पानी का जैसा कोई सोर्स है आपके आसपास, कुछ ऐसा जहाँ आप थोड़ी देर बैठ सकते हो, मतलब जहाँ आप थोड़ी देर बैठ सकते हो, जहाँ से यू नो आप पानी के कोई आसपास ज़्यादा रहो, ठीक है, जैसे कि मान लो ज़्यादा पानी आपने पीना है, पानी के टच में रहना है कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है मगरमच्छ बन के उसी में घुस जाना, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये कि लाइक यू नो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे एक टाइम नहाते दो टाइम नहा लो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, कोई पानी के जैसा कोई है आसपास, कोई लाइक यू नो ऐसा है सोर्स कि जहाँ बैठ सकते हो, आपको आपको सुकून मिलेगा वहाँ पर, आपको पीस मिलेगा, आपको वाटर के साथ वर्क करना चाहिए, वाटर के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी एनर्जी उसको कनेक्ट करना चाहिए। जैसे मेडिटेशन करते टाइम पानी आप अपने आसपास रखो, ठीक है, जैसे चारों तरफ पानी रख लिया, आप बीच में आप बैठ गए, या फिर कोई ऐसी जगह बैठ कर ही मेडिटेशन करो जहाँ कोई पानी का सोर्स है, या फिर पानी से पानी ज़्यादा इस्तेमाल करो अपने दिन में। अभी इस टाइम पे क्या आपको पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है, पीने में इस्तेमाल करना है, अब पानी के बहुत सारे यूजेस हैं, आपको बस उसके टच में रहना है, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एक और चीज़ ना मुझे नज़र आती है वाटर से, इंट्यूशन, आपको आपकी इंट्यूशन ही सही रास्ता दिखाएगी, आपका जो दिल कहता है बस वही करो, क्योंकि आपका जो दिल कहेगा ना उसी में आपको सुकून मिलेगा, उसके अलावा किसी चीज़ में नहीं। ऑलराइट,
सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।